हम लोग लाइव हो गए, लाइव हो गए हम लोग। सब लोगों को जय हिंद बाबू, सब लोगों को जय हिंद। चलिए गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सब लोगों को, गुड आफ्टरनून सब लोगों को एकदम गुड आफ्टरनून। बेसब्री से इंतजार कर रहा था सब, बाप रे बाप, अरे दादा हो। चलिए हरी बाप, सब लोग को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। देखिए हम लोग अब एएलपी को देखेंगे, हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं CBT1 पे, पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जाएंगे CBT2 पे, हल्का सा हम चर्चा करते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों बैच है इसमें, आरआरबी का एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ साथ में है यहाँ पर। तो हम लोग इस पर सिलेबस वगैरह की चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट बाबू, हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम आरआरबी एएलपी के लिए यहाँ पे। तो एएलपी के में वही भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है, बीई है या बीटेक है, यानी फुल टू या टेक्निकल हो जाएगा यहाँ पे। और टेक्नीशियन के लिए क्या है, आपके पास आईटीआई और 10+2 है। याद रखिएगा इंटरमीडिएट में आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायोलॉजी वगैरह के लिए अगर आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, तब आप टेक्नीशियन में नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन आप देख लिए आरआरबी का, एएलपी का क्वालिफिकेशन देख लिए और टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन देख लिए। तो दोनों के क्वालिफिकेशन में ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं एग्जाम के बारे में। 2014 में वैकेंसी थी, उस समय ज्यादा सीट था, 2018 में थी, अब की हमको देखना है 2024 वाला। एएलपी के लिए 5696 है और टेक्नीशियन के लिए लगभग 9000 है। तो ये टेंटेटिव 9000 के आसपास सीट है, तो आपको इसमें फाइट करना है यहाँ पे। हाँ, तो एवरेज के हिसाब से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब उसमें बच्चे, अब आप देखिए जो चीज हो गई है इस पे, अब हम लोग इस पे चर्चा करते रहेंगे यहाँ पे। अगले साल भी वैकेंसी आएगी, सेम ऐसा रेलवे का कहना है। ये टोटल एग्जाम 3 फेज में है। पहला है CBT1, पास होइएगा तो जाएंगे CBT2 में, CBT2 पास होइएगा तब आप करिएगा साइको का टेस्ट कीजिएगा यहाँ पर। टेक्नीशियन वाले लोग के लिए एक फायदा है बाबू कि आप CBT1 पास कीजिए, CBT2 पास कीजिए टेक्नीशियन वालों के लिए। टेक्नीशियन में साइको का टेस्ट नहीं होता है, टेक्नीशियन के लिए साइको का झमेला नहीं है। तो हम लोग देखेंगे CBT1 देखेंगे, फिर CBT2 देखेंगे, फिर CBT3 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे CBT1 देखने के लिए। तो CBT1 में सबसे जबरदस्त क्या चीज है भैया, CBT1 में 60 मिनट टाइम है आपके पास और 75 क्वेश्चन करना है, यानी यहाँ टाइमिंग बहुत मायने रखने वाला है। फटाफट क्वेश्चन करना होगा, एक चीज तो फिक्स हो गया, फटाफट क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो कितने नंबर, 60 मिनट दिए गए और कितने क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन करने हैं। तो भैया टाइमिंग मायने रखेगा। अब देखिए जो बच्चों को यहाँ लगेगा कि जीएस डिपेंड करेगा, वो फेल हो जाएंगे। CBT1 आप फेल हो जाएंगे अगर आपने ध्यान दे दिया जनरल नॉलेज को, करेंट अफेयर को, इस सब को जो ध्यान देगा CBT1 में फेल हो जाएगा। CBT1 पास करने के लिए आपको सबसे पहला ध्यान देना होगा मैथ और रीजनिंग। अकेले ये 45 नंबर ला दिया, कट ऑफ के पास पहुंचा देगा आपको अकेले, यानी जिनका मैथ और रीजनिंग गड़बड़ है वो उनका सत्यानाश हो जाएगा। मैथ हमारे पीके सर पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो रेलवे वगैरह वाले बच्चे लोग टेंशन नहीं लीजिएगा यहाँ पर, अब ये रेलवे छोड़ छाड़ के आ गए हैं आप लोग की सेवा के लिए। तो रीजनिंग के लिए सर, मैथ के लिए 20 क्वेश्चन होगा, टाइमिंग तो बहुत कम है यहाँ पर। रीजनिंग आपको अब पीके सर, अब जब मैथ का दे देंगे तो पीके सर पूरा अपना डिटेल बता देंगे कि मैथ में क्या प्रोसीजर अपनाएंगे लोग और क्या 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 टाइमिंग बचाएंगे यहाँ पे। साइंस आपका कार्तिक सर होंगे, हितेश सर होंगे। रीजनिंग कार्तिक सर और हितेश सर आपका रीजनिंग लेंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ है, ये गया तबाह हो गए, यहाँ से काम खत्म, तो तबाह हो जाएंगे यहाँ पे 45 क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान देना है किसी चीज पे तो साइंस पे देना है। यहाँ पे साइंस के लिए हम पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे और अमृता मैडम पढ़ाएंगी। 3 साइंस है, 3 लोग मिलकर साइंस को क्लास लेंगे यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइंस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग साइंस, ये तीनों मिला देंगे 65 क्वेश्चन हो गया, सीधा का सीधा 65 क्वेश्चन। तो जैसे अब सर आएंगे तो एक टू जेड डिटेल के बारे में देखेंगे और फिर पीके सर मैथ के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे लोग। तो अभी हम ये मोटा मोटी बता दिए। अब यहाँ हो गया भैया जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन। अब भैया ये 10 क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना, ना तो सत्यानाश हो जाओगे। पढ़ाया जाएगा तो सब चीज समझ में आ गया जी, पढ़ाया जाएगा सब चीज, लेकिन 10 क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना है। जो CBT1 पास करेंगे वो जाएंगे CBT2 में, वो जाएंगे CBT2 में। मैथ पीके सर लेंगे, रीजनिंग हितेश सर और कार्तिक सर लेंगे, फिजिक्स में हम और शैलेंद्र सर लेंगे, केमिस्ट्री में हम और शैलेंद्र सर लेंगे, बायोलॉजी में हम भी लेंगे, अमृता मैम भी लेंगी, करेंट अफेयर में हम और कल्याणी मैम लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं CBT2 की ओर। क्यों सर? CBT2 में सब में निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आंख बंद करके नहीं मारना है। CBT2 में देखते हैं पार्ट 1 में सर फिर आपका 25 क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इसमें टाइमिंग रहेगी 90 मिनट, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो सर आपका फिर से पीके सर का आ गया 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग। ये बाबू फिर 50 हो गया, 50 क्वेश्चन लो यहाँ पे। और फिर साइंस आ गया यहाँ पर, साइंस हो गया। और साइंस हम लोग को खींचना है सर, हम लोग को साइंस खींचना है यहाँ पे। और यहाँ देखो सब जितना विद्यार्थी जो फेल होने वाले विद्यार्थियों का लक्षण बताते हैं, जो इनसे जुड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग के पीछे गए सत्यानाश होके आएंगे। पिछली बार इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, हार्डली किसी में 3 क्वेश्चन पूछा है। अब मार इसको इतना ना डरा दिया गया था, रेलवे के एग्जाम में डरा दिया जाता है बच्चों को, ये पूछेगा वो पूछेगा ये वो। कुछ ऐसा नहीं होता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितनों पढ़ लो, देखो यही आने वाला है। किसी सेट में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिले। अच्छा बच्चे का फॉर्म ज्यादा आएगा तो कई चरण में एग्जाम होंगे, तो उसमें क्वेश्चन में किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, 4, बस यही क्वेश्चन। अब पढ़ना रहेगा दुनिया भर का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नाइस सर जी, थैंक्स। तो ये साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ। यानी CBT1 और CBT2 ये दोनों डिपेंड करेगा मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस, जिनका चौपट रेलवे चौपट, मैथ रीजनिंग साइंस चौपट मतलब चौपट, खत्म कहानी हो जाएगा सर। टेक्नीशियन का पैटर्न, सारा पैटर्न हम लोग बताएंगे। अच्छा पार्ट बी में सर हम लोग का हो गया पार्ट B, ये बहुत जरूरी है। CBT2 के पार्ट 1 में निगेटिव मार्किंग है, इसमें मैथ रीजनिंग साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन ट्रेड बबुआ, ट्रेड में आपको 1 घंटा में 75 क्वेश्चन बनाना है। आपका अपना रिलेटिव जो भी ट्रेड रहेगा जिससे आप पढ़े रहेंगे उसमें 35% अंक लाना जरूरी है। अगर जो इसमें फेल हो गए, अगर जो ट्रेड में फेल हो गए, आपका सत्यानाश हो जाएगा, ये कॉपी चेक नहीं होगा। तो सर हम लोग अब ट्रेड पढ़ाएंगे, तो शैलेंद्र सर और हम लोग मिलकर आप लोग को पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा कवर करेंगे लोग, ठीक है। तो अब सर आपने उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, अपने अपने रिलेटिव जो भी आपका रिलेवेंट ट्रेड है उसमें आप पढ़ेंगे। 75 में से आपको 35% अंक लाना जरूरी है, तभी जाके ये वाले पार्ट का कॉपी चेक होगा। अदरवाइज में यहीं से अपना सपना छोड़ दीजिएगा कि आपका होने वाला है। इसमें भी निगेटिव है 1/3, इसमें भी निगेटिव है 1/3, CBT1 में भी निगेटिव है 1/3। जहां जाएंगे 1/3 निगेटिव है। कहां निगेटिव नहीं है? तो साइको में नहीं है। तो साइको की चर्चा साइको में करेंगे लोग अभी यहाँ पर, तो साइको के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग के 2 टीचर हैं लोग, अभी आपको हितेश सर मिलेंगे, फिर आपको सारे टीचर लोग से आपको एक एक करके रूबरू कराएंगे। फिर सर जो है मैथ में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या अप्रोच अपनाना है, और सर आप ट्रेड में देखेंगे, सर आप मैथ में बताएंगे कि कैसे कैसे अप्रोच अपनाएंगे ताकि शॉर्टकट में बच्चे समझ सकें। फिर तो आप अपने बैच में देखते ही रहिएगा। थैंक यू सर, जय हिंद आप सभी लोगों का। जैसे हम लोग का मैथ और रीजनिंग का तो ज्यादा महत्व है, और साथ साथ में साइंस का। और साइंस के लिए तो हमारे दिग्गज खान सर भी हैं और शैलेंद्र सर, दोनों के मार्गदर्शन में रहना है तो साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर हम लोग का पहले इन लोग का थ्योरी बेस्ड पूरा कंप्लीट करा देंगे, और पहले माइनस से ही हम लोग का स्टार्ट करते हैं, जीरो तो समझते ही नहीं है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी और उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे ज्यादा इन लोग का प्रैक्टिस सर प्रीवियस क्वेश्चन पर करेंगे, और प्रत्येक सप्ताह में इन लोग का टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का इधर पार्ट 1 में ज्यादा महत्व है। 45 क्वेश्चन है, तो 45 इधर से और 20-65। हमको लगता है मेरिट तक पहुंचाने में सर यही तीनों बहुत काफी है। तो फिर मैथ में हम लोग आएंगे तो ज्यादा चर्चा करेंगे फिर, और साइंस वाले सर और खान सर हैं, सब बताएंगे आराम से। हाँ अब सर साइंस और ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं, फिर एक एक करके डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सर। पहले देखिए साइंस और ट्रेड, साइंस में आप लोग को एकदम बेसिक से बताया जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग CBT 1 में 20 क्वेश्चन जो साइंस दिया गया है वो हमारा जनरल साइंस दिया गया है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन को पकड़ना, ऐसा नहीं है कि ये जो 20 क्वेश्चन है जो पढ़ाया जाएगा 20 क्वेश्चन के लिए वो CBT 2 में आपका पार्ट A में जो 100 क्वेश्चन का है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका साइंस, आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो उससे नहीं रहेगा वो सब। हम लोग जब साइंस पढ़ेंगे तो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में CBT 1 और CBT 2 के बीच में 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना का गैपिंग देगा, तो आप लोग उस समय घबरा सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरा शुरू से अंत तक एकदम माने कि पूरा रगड़ कर पढ़ना है हम लोगों को, इतना रगड़ कर पढ़ना है ना कि साइंस का क्वेश्चन दिखाई देना एकदम फुटबॉल नजर आए और एकदम धाए धाए उसको एकदम करेक्ट कीजिए, उसको एकदम बनाइए, क्योंकि इस बार 5696 और 9000 जो टेक्नीशियन का सीट है और 5696 जो एलपी का सीट है, उस सब सीटों पर हमारा विश्वास है कि केजीएस का बच्चे कब्जा करेंगे, इतना समझ लीजिए आप लोग। इसलिए आप लोग एकदम मेहनत कीजिए और हम लोग उस मेहनत में चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग सफल होइए, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी सेकंड है और इसके बाद साइको टेस्ट है एएलपी में, और टेक्नीशियन में तो खैर हमारा सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड रहेगा, लेकिन सीबीटी सेकंड की भी चर्चा नहीं किया। उस समय देखिए फॉर्म जब भराएगा तो सीबीटी सेकंड की चर्चा करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे एकदम, साइंस के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, सर हैं और हम हैं, साइंस हम लोग दोनों आदमी मिलकर पढ़ाएंगे। और ट्रेड की बात किया जा रहा है तो अभी साइंस का बैच ही शुरू होगा और ट्रेड की बात किया जाएगा, तो ट्रेड भी हम लोग थोड़ा साइंस का आप लोग लोड ले लीजिए, और जब लोड ले लीजिएगा तो देखा जाएगा कि कितना लोड ले रहे हैं। ऐसा ना लोड दे दिया जाए कि आप लोग बैठ जाइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना ही लोड दिया जाएगा कि जितना में आप लोग एकदम फ्रीली चलिए। हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे फिटर ट्रेड हो, चाहे आपका मैकेनिक डीजल हो, एम डीजल ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो, कोई भी जिनका ट्रेड होगा ट्रेड से उनको पास करवाना पास करवाया जाएगा। ये हाँ, आरएसी ट्रेड वाले भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जितना भी ट्रेड है आपका, जब हम लोगों ने जिम्मेवारी ले लिया है कि आपको पढ़ाया जाएगा तो हम लोग पढ़ाएंगे, और वो भी कम फी में। देखिए इतना कम फी, सर को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना कम फी में सर आप सही में गरीबों के मसीहा हैं, मसीहा थे और मसीहा रहेंगे आप। बाकी सब सर बताएंगे आपको। धन्यवाद सर। देखिए जैसा सर बताएं कि हर एक चीज का ट्रेड होगा, तो आपका आरएसी हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, जो भी ट्रेड होगा सारा ट्रेड होगा। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे, डर इस बात का लगता है क्योंकि हर जगह आपका निगेटिव मार्किंग है, हर जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग भरा हुआ है। देखिए अब हम यहाँ चर्चा करते हैं जरा, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत चर्चा कर दी है। देखिए CBT1 तो सबसे पहले पास होना है, तो भैया वही पास करेगा जिसका मैथ रीजनिंग साइंस सही है। तो हम लोग पहले ना दबा के पढ़ेंगे मैथ रीजनिंग और साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस दबा के देखा, इसको वीकली देख लेंगे लोग, कोई दिक्कत इसके लिए टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि 10 नंबर वैल्यू है, उतने वैल्यू देंगे, जैसन देवता वैसन पूजा। इसको दबा के पढ़ेंगे लोग एकदम मेहनत, और इस तरह से पढ़ेंगे लोग ना कि जो CBT2 का फर्स्ट पार्ट है ये भी कवर हो जाए। इतना दबा के पढ़ेंगे कि CBT1 के साथ साथ CBT2 का भी फर्स्ट पार्ट कवर हो जाए। और इसमें क्या है ना, हल्का हल्का हम लोग टचिंग देखेंगे, बेसिक देखेंगे लोग, ट्रेड में शुरुआत में बेसिक देखेंगे, और जैसे CBT1 हो जाएगा, जैसे CBT1 हो जाएगा आपके पास पूरा टाइम होगा CBT2 के लिए, और CBT2 में आपको फर्स्ट पार्ट के लिए सोचना ही नहीं है क्योंकि इसको हम लोग पहले ही कवर कर चुके रहेंगे, मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस ये वाला चीज को पहले ही। तो इसके बाद पूरा का पूरा फोकस उठा के मार देना है पार्ट बी पे, ट्रेड वाले पे, काम खत्म, तहस नहस। उसके बाद से आपका साइको आ गया, साइको में तो कुछ नेगेटिव होता नहीं है, साइको एक ट्रिक है निकालना के लिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, तो साइको की चर्चा अभी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए तो आज हम इसके साथ करते हैं और इसको बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और सर टीचर लोग कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हर एक सब टीचर लोग जैसे पीके सर हो गए, रीजनिंग वाले सर हो गए, ट्रेड वाले सर, अब एक एक करके अपने पूरे सिलेबस में पूरा प्लानिंग बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पैसे की टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी हो गई है। ठीक है, चलिए जय हिंद। सर और कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। बाबू गाजीपुर से हैं, सारा चीज बता देंगे हम लोग, कौन सा बुक लेना होगा, कौन सा पीडीएफ देना होगा। ठीक है, आईटीआई, लेकिन इंटर से बायोलॉजी टेक्निकल आईटीआई है ना, बस काम खत्म, आईटीआई रहना चाहिए, इंटर नहीं हो है तो चलेगा। मैट्रिक वाला आईटीआई पे तो चल ही जाता है, मैट्रिक प्लस आईटीआई होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन के बारे में एकदम सही रहेगा, अब एक एक करके हम समझा देंगे। अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं, बिना मतलब का क्वेश्चन पूछता है, टाइम टेबल बता दीजिए सारा चीजें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए।